हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं चैनल द टेक विज गाय। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सेटिंग्स आपके कार की ऑडियो की। जैसे कि कार में ये वैगनार है हमारी, इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं दो आगे और दो पीछे। नॉर्मली आपको सिर्फ आगे स्पीकर्स मिलते हैं, पीछे नहीं मिलते हैं, तो हमने इसमें चारों स्पीकर्स लगवाए हुए हैं। तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा इसकी, स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जिससे कि आप अपनी कार में बेस, ट्रेबल और वो सब चीज़ें सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। तो वो सब सेट करने के लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं म्यूज़िक की क्वालिटी आपको किस तरह की चाहिए वो सेट करने के लिए, आपको क्या करना है, जाना है सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाएंगे आप। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये स्पीकर वाला ये दिख रहा होगा, ये आइकन, इस पर जाना है आपको। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं ऑडियो सेटिंग्स आपका पूरा आ गया है। अब आप देख सकते हैं आप इसको ट्रेबल सेट करना है, बैलेंस फेडर, इक्विलाइजर आपको किस तरह का चाहिए, फ्लैट, रॉक, ये किस तरह की म्यूज़िक चाहिए, जैसे कि आप अपने फ़ोन में सेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही है ये। और वॉल्यूम देख सकते हैं, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, स्पीड के हिसाब से वॉल्यूम मतलब कितना होना चाहिए, कि स्पीड ज़्यादा है तो वॉल्यूम तेज़ हो गया, धीरे हो गया, वो उसके हिसाब से ये सब सेटिंग्स होती हैं। और बाकी आप देख सकते हैं सिस्टम बीप जो है, ये इसकी सिस्टम की बीप है। देखिए मैंने ऑन किया, अब मैं बैक करूँगा, आवाज़ आएगी, ये देखिए आवाज़ आई। अभी कुछ भी क्लिक करेंगे आप तो आपको ऐसी ही आवाज़ आएगी, तो इसलिए सिस्टम बीप मैंने ऑफ किया हुआ है, ये काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है इसलिए। अब मैं आपको इस पर गाना प्ले करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा कि कैसे आपकी आवाज़ चेंज होती है। अभी मैं आपको नॉर्मल सेटिंग्स में दिखाता हूँ एक म्यूज़िक प्ले करके। देखिए म्यूज़िक प्ले हो रही है। देखिए आप इसमें बेस बढ़ा सकते हैं अपना चाहें तो, या बेस आप बिल्कुल कम कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट आवाज़ आ रही है इस समय। अब मैं बेस को पूरा हाई कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा बेस की काफ़ी हैवी आवाज़ आ रही है। अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये मिड है आपका और ये ट्रेबल है, अगर ये कर देंगे तो थोड़ी पतली आवाज़ आती है, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेबल, तो उस तरह से ये होता है। तो अब बेस को आप नॉर्मल अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जैसे कि मुझे थोड़ा बेस पसंद है तो मैं ऐसे सेट करूँगा इसको। तो मैं इसको सेटिंग्स को ऐसे ही रख सकता हूँ और इसको थोड़ा कम कर दूंगा और मिड को भी थोड़ा नॉर्मल में रहने दूंगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये इक्विलाइज़र आपके प्रीसेट्स हैं, प्रीसेट्स का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रॉक में थोड़ी आवाज़ चेंज हो जाएगी, क्लासिक, पॉप, हिप हॉप और ये। और यहाँ पे आप कस्टम में जाके हर एक वैल्यू अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मेन तो इसका ये हो गया, मैं फ्लैट पे रखता हूँ और बाकी उसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गए इन सब की बातें। और यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको बाकी कुछ और सेटिंग्स मिल जाएंगे, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये वो, डिस्प्ले, व्हीकल अलर्ट्स। तो व्हीकल अलर्ट्स में आप देख सकते हैं सारे अलर्ट्स, जैसे अभी ऑन है, ये ऑफ़ कर देंगे लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आवाज़ आपको तब भी आती है ऑफ़ करने के बाद भी, क्योंकि ये तो सिस्टम की साउंड है, लेकिन ये कुछ देर बाद बंद हो जाती है अगर आप उसको, इसीलिए मैं इसको, ये देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ व्हीकल अलर्ट्स, इसलिए मैंने इसको ऑफ़ रखा हुआ है कि थोड़ी देर चलाने के बाद 2 या 3 मिनट तक ये बीप आती है फिर बंद हो जाती है, लेकिन सीट बेल्ट लगा के ही आपको चलाना चाहिए वैसे तो गाड़ी। और बाकी आप देख सकते हैं ये सब सेटिंग्स हैं, AMDM और ये फ़ोन लिंकेज और ये। तो मेन सेटिंग्स तो अभी इसमें इतनी ही हैं। और बैलेंस फेडर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, यूनिक, ये बताता है कि आपके साउंड का कंसंट्रेशन कहाँ होगा, सेंटर में होगा या आगे की तरफ आपको ज़्यादा साउंड चाहिए या पीछे की तरफ जाना चाहिए। देखिए जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, तो नीचे कर रहा हूँ तो पीछे की स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ आएगी, आगे से कम, मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो पीछे की तरफ ही कंसंट्रेटेड रहेगी स्पीकर से। जैसे मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, ये देखिए अभी पीछे की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सिर्फ रियर कर देंगे तो जब पीछे के स्पीकर से आवाज़ आ रही है इस समय, और ड्राइवर कर देंगे अभी आगे के स्पीकर से आवाज़ आ रही है, इसीलिए आप इसको अगर आप रीसेट करेंगे तो आगे पीछे दोनों के स्पीकर से आवाज़ आएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इसको सेंटर में ही रखना चाहिए, अगर आपको आगे की तरफ ही ज़्यादा रखना है, सिर्फ आवाज़ पीछे नहीं रखना, तो आप सिर्फ इसको ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इधर भी मूव कर सकते हैं, ऐसे करेंगे आप तो सिर्फ राइट वाले स्पीकर से आपको आवाज़ आएगी। तो नॉर्मली इसको रीसेट कंडीशन में ही रखने हैं। तो बस इतनी सी बात थी इसके ऑडियो सेटिंग्स में, अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से सेट करना ऑडियो की सेटिंग्स तो आप आराम से कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई और प्रॉब्लम लगे कि इसकी बाकी किसी सेटिंग्स में तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।